सो हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो के साथ। एंड यार, कल रात को फिर से आ चुका था माइनक्राफ्ट का एक न्यू वर्जन जिसका नाम है 1.18.2021। भाई कितने सारे आएंगे यार, पता नहीं। एंड ये वाला अच्छा है, लेकिन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यू UI, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ इसमें ऐड हुई है। तो सब कुछ बताऊँगा, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ इसमें ऐड हुआ है। एंड गाइस, अभी ये बीटा ही है, पहले बोल दे रहा बीटा है। एंड यार, पता नहीं इतने सारे बीटा क्यों रिलीज हो रहे हैं, शायद टेस्टिंग चल रही है बहुत ज़्यादा और बहुत न्यू थिंग्स ऐड हो रही है। यार मैं आप लोग सब कुछ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको एडिट कैरेक्टर में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्लॉथ्स देखने को मिलेंगे, न्यू फीचर्स आप लोगों को क्लॉथ्स वाले आउटफिट वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये सब आप लोग गेट इट कर लेना, कलेक्ट कर लेना, नहीं तो यार ख़त्म हो जाएंगे। आई गेस ख़त्म भी हो गए होंगे, पता नहीं, आप लोग जाके देख लेना यहाँ से आप लोगों को मिल रहा है, ये सब कलेक्ट कर लेना, नहीं तो पता लगा ख़त्म ना हो जाए। एंड यही पहली चीज़ तो आप लोग ये ले लेनी आउटफिट अगर आपको चाहिए तो। और दूसरी चीज़, मेन चीज़ हमारा जो चेंज हुआ है ना, वो है हमारा माइनक्राफ्ट का मेन्यू का UI, ठीक है ना। जैसे ही आप प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से रिकवरी वर्ल्ड भी आ चुका है। काफ़ी सारे बंदों को दिक्कत हो रही थी रिकवरी वर्ल्ड करने में, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। एंड जैसे आप क्रिएट न्यू करेंगे एंड क्रिएट न्यू वर्ल्ड करोगे, तो यहाँ देखने को मिलेगा स्विच टू न्यू UI। यस, ये बहुत अच्छा है। अगर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे न्यू डिज़ाइन में जाओगे, तो बूम, ये देखो हमारा यहाँ पे अलग ही मेन्यू आ गया और काफ़ी अच्छा यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला, काफ़ी अच्छी लुक देता है। ये देखो कितना अच्छे अच्छे आप लोग देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ से आप इसको फिर से अपने बैक ओल्ड डिज़ाइन में भी जा सकते हो, यहाँ से कुछ ऐसे क्लिक करके। और इसका साउंड सुन रहा हो, देखो कितना मस्त है ना। एंड गाइस, अभी ये बीटा में है, तो अभी बीटा टेस्टिंग चल रही है, तो वेट करो यार। देखो अभी फुल रिलीज, यार मैंने पिछली बार भी बोला था कि यार सैटरडे संडे को आ जाएगा, देखो हमेशा थर्सडे को एक नया आ रहा है बीटा, एंड सैटरडे को नहीं तो संडे के रात को यार चांस रहता है कि फुल रिलीज होने का। अब आई गेस कल नहीं तो परसों फुल रिलीज हो जाए, पता नहीं यार, हो जाएगा तो अच्छी बात है। आप लोग सब्सक्राइब करके रखना यार, जब भी आएगा तो मैं थोड़ा डाल ही दूंगा, तो बस वेट करो। आई गेस सैटरडे या फिर संडे को आ जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एंड देखो यहाँ पे आप लोगों को एक मल्टीप्लेयर में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक होगा लैन प्लेयर्स। देखो यहाँ पे नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा लैन प्लेयर्स, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप मल्टीप्लेयर खेलते हो। अगर आपके पास, अगर आपके बगल में कोई बंदा बैठा है ना, तो ये ऑन कर लेना और कनेक्ट होकर खेलना मल्टीप्लेयर, बस ईजी। इसको ऑफ मत करना, अगर आपके बगल में बैठा बंदा हो, मतलब आपके आसपास में हो, तो आप इससे खेल सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लेयर तो आपको पता ही कैसे खेलना है। एंड यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएंगे चीट्स के, यहाँ पे अलग एक सेक्शन मिला है, आप लोग यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। ऑलवेज डे यहाँ पे मैं कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, लेकिन आप लोग देखते हो तो कितने सारे ऑप्शन थे यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी चलता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ ऊपर से ऑन करना पड़ता है, यहाँ से ये देखो, तब यहाँ से ऑन करोगे तो यहाँ से नॉर्मल डे या फिर ऑलवेज डे, कीप इवेंट्री, ये सब कर सकते हो। ये देखो वेदर, साइकिलिंग, सब कुछ आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से अपना ऑन कर सकते हो। और ये देखो, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है यार, बीटा है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये फुल रिलीज में ये चालू हो जाएगा आई गेस, तो ये सब भी थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखो, हाँ हमारा एक्सपेरिमेंटल यानी कि बीटा फीचर्स, ये देखो यहाँ से आप अपना वाइल्ड अपडेट में अपडेट कर सकते हो, तो यहाँ से एक्टिव बीटा फीचर्स करोगे तो एक्टिव हो जाएगा। ये देखो वैनिला, एक्सपेरिमेंटल, ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये सब मैं इसीलिए बता रहा ताकि बंदे कन्फ्यूज ना हो कि कहाँ कहाँ क्या है, तो ये सब देख सकते हो आप लोग आराम से। जब प्ले करोगे तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कौन सी चीज़ का है। तो यहाँ वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ, और एक और न्यू थिंग्स ऐड हुई है, वो फ्रॉग का है। तो बेसिकली जो हमारा फ्रॉग होता है ना, स्पॉन एक तो पता ही है, लेकिन अभी एक ही कलर में फ्रॉग आ रहा है, तो अभी अलग अलग कलर्स में ये आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, अभी जो फ्रॉग के स्पॉन एग होते हैं ना छोटे छोटे, उसको भी आप पानी के ऊपर रख के स्पॉन होना वो स्टार्ट हो चुके हैं, अभी धीरे धीरे वो ऐड कर रहे हैं। आई गेस ये बीटा इसलिए आ रहा है क्योंकि टेस्टिंग बहुत चल रही है। देखो अगला जो द वाइल्ड अपडेट आने वाला है, भाई बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है इसमें यार। देखो बहुत सारी न्यू थिंग्स ऐड होने वाली है, आप लोगों को पता ही वाइल्ड अपडेट में कितनी सारी चीज़ें ऐड होगी, तो यार उसका वेट रहेगा, देखते यार कब तक आ रहा है फुल अपडेट। एंड यार देखो, फ्रॉग का ये स्पॉन ऐसे आप कुछ रख सकते हो पानी के ऊपर, और इनमें से वो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं फ्रॉग के, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ आप रखोगे तो थोड़ी देर बाद वो निकल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे कुछ रख सकते हो, और इस पर आएगी जिसको तोड़ भी नहीं सकते फ्रॉग, कोई इस पर खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन कोई ना, आप लोग देख सकते हो। और हाँ, फ्रॉग के कुछ एनिमेशन वगैरह चेंज हो रहा है, जो जंपिंग एनिमेशन है एंड जो भी है चलने वाले का, वो सब एनिमेशन चेंज हो रहा है। और यहाँ मैं भी थोड़ी देर वेट कर रहा था कि ये कब स्पॉन हो, कब यहाँ से निकले, थोड़ा सा टाइम लेता है ये स्पॉन होने में। तो कुछ ऐसे दिखते हैं, पता नहीं मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताना। एंड आई गेस ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस यार एक मेन्यू चेंज हो रहा है और हमारा यहाँ फ्रॉग के कुछ आ रहे हैं। एंड भाई द वाइल्ड अपडेट आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आई होप सो कल या फिर परसों आ जाए। सो गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।